हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राज भाई, और आज आपके सामने एक बहुत ही न्यू लेटेस्ट लुकिंग के अंदर आपके लिए यामाहा R15 V4। और इसको आपने वैसे बहुत सारे मोड्स में देखा होगा, आज कुछ न्यू मोड्स दिया गया है इसके अंदर। जैसे कि आप देखने मिलेगा आपको 10 मिरर जो कि लगे हुए हैं इसके अंदर, बट मैं इस बाद में दिखाऊँगा। पहले ना इसका व्यू कर लो कि इसकी जो लुकिंग है वो कैसी आ रही है। इसकी की गई है पूरी रैपिंग एंड डिज़ाइनिंग, तो आप पूरा व्यू चेकआउट करो शुरू से लेकर एंड, फ्रंट से लेकर बैक तक, तो पूरा चेकआउट कर लो आप कि आपको ये कैसी लग रही है नई नवेली दुल्हन जो कि सजाई गई है हमारे यहाँ पर। इसको पूरा चेकआउट करो हर तरीके से, क्योंकि जो इसकी डिज़ाइनिंग है ना, वो जिस भाई की बाइक है ना उसे वो मकड़ी लवर है। मकड़ी उसे इतना प्यार है उसे कि उसने मकड़ी का जाला ही बनवा दिया पूरे पे। तो देख सकते हैं स्पाइडर लुकिंग के अंदर की आपको देखने मिलेगी इसकी पूरी रैपिंग डिज़ाइनिंग जो कि आपने अब देख ही ली है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा किया गया है। तो आपको देखने मिलेगा टेनरेस्ट वाले मिरर जो कि आप देख सकते हो, लुक काफ़ी ज़्यादा इसकी हो जाती है बल्कि इससे, और टेनरेस्ट वाले मिरर हैं तो इससे लुक तो जबरदस्त होती है। साथ में आप देख सकते हैं जैसे मर्जी इसको एडजस्ट कर सकते हैं और व्यू उसमें आता है पूरा नज़र, चाहे आप जैसे मर्जी करें ऊपर नीचे दाएँ बाएँ हर जगह सेट हो जाते हैं। साथ में आपको मिलती है देख सकते हैं ये इसकी विंगलेट जो कि वैसे आपने नॉर्मल प्लास्टिक वाली देखी होगी, बट ये प्लास्टिक की नहीं है, ये है आपकी फाइबर की। ये आपकी फाइबर की मैट फिनिश के अंदर लुक चकड़ कर क्या जबरदस्त आ रही है इसे लगने के बाद, और प्रॉपर मैट के अंदर है। और ये आपका मैंने बताया फाइबर, प्लास्टिक नहीं है, फाइबर है जो कि लगा दी गई है। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका शॉकर प्रोटेक्शन, ये आपका इसका फॉक्स रेडर, इससे आपका मडगार्ड, USD शॉकर और इससे आपकी डिस्पेंट, ये होती है पूरी तरह से प्रोटेक्ट। और ब्लैक गाड़ी है तो ब्लैक पे इसका ब्लैक मैचिंग कर दिया गया है। सेम इधर सेम मिलता है आपको इस तरफ, दोनों तरफ आपको देखने मिलेगा इसके अंदर। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर व्हील कवर जो कि देख सकते हैं आप, इससे भी इसकी लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है लगने के बाद। दोनों तरफ देखेंगे इधर भी और बैक साइड भी इसमें लगाया गया व्हील कवर। देखिए इधर आइए, आगे है स्मॉल वाला, पीछे है बिग साइज़ बड़ा वाला देख सकते हैं जो कि इसके अंदर लगाया है। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसके अंदर हैंड ग्रिप जो कि आपको सुपर बाइक वाले हैंड ग्रिप देखने मिल जाएंगे इसके अंदर। टाइटेनियम कलर है इसका, और इधर मिलेगा आपको ब्लैक। साथ में आपको लीवर गार्ड जो कि आप देख सकते हैं, इससे आपके लीवर और हैंड दोनों होते हैं प्रोटेक्ट। और ये भी एडजस्टिंग वाले, जैसे लूज करने हो आप बाहर से कर सकते हो, चाहे आप इसे अंदर कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, जैसे मर्जी आप इसे सेट कर सकते हो। साथ में आपको मिलती है इसके रेडिएटर गार्ड जो कि देख सकते हैं यामाहा V4 की ब्रांडिंग के साथ है, जो कि स्टेनलेस स्टील के देखने मिल जाती है, और इससे आपका रेडिएटर होता है पूरी तरीके से सेफ। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका कैंडी बॉडी इंडिकेटर जो कि इधर भी मिलता है, सेम मिलता है आपको उस तरफ भी देख सकते हैं, दोनों तरफ लगा हुआ आपका कैंडी इंडिकेटर जिससे लुकिंग होती है ज़बरदस्त। और उसके बाद इसमें आपको ऊपर एक चीज़ और नोटिस करिए, ये लगा उसमें डबल बबल वाइजर जो कि इंस्टॉल कर दिया गया, और इस पर कर दिया गया ब्लैक रैपिंग। गाड़ी पूरी ब्लैक है तो ब्लैक ही इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में इसमें लगा दी अंडर वैली, ये देख सकते हैं ये इसकी अंडर वैली जो कि आपको देखने में लग ही नहीं रहा होगा कि ये अलग से है, जैसे कंपनी से फिट हो सेम आपको वही लगेगा। और साथ अंडर वैली ही लगाया है इसमें एग्जॉस्ट जो कि देख सकते हो आप, देख के पता नहीं लगा एग्जॉस्ट कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है, ये दिख रहा है आपको हल्का फुल्का दिख रहा है आपको। अब मैं आपको इसका कराता हूँ साउंड चेकआउट, के साउंड कैसा होता है इसका। तो ये इसकी साउंड है जो इसके अंदर लगाया है, क्रॉप अविका 6 कट जो हमने लगा दिया है इसके अंदर। बहुत ही अच्छी लुकिंग आती है लगने के बाद, कोई अंडर वैली है दिखाई नहीं देगा, चलान का इशू थोड़ा कम हो जाता है। और सबसे मेन बात है कि आपको एग्जॉस्ट बाहर दिखता है ना, वो दिखने वाला है ही नहीं है, देखिए कहीं भी नजर नहीं आ रहा एग्जॉस्ट कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है। और साथ में इसमें सीट कुशनिंग विद कवर जो कि लगा दिया गया है, साथ में आपको मिलेगी इसके अंदर टेल बॉडी थी ना इसकी, इसी टेल बॉडी कटिंग करके लगा दिया गया इसके अंदर आपकी नंबर प्लेट से। टेल आपकी लॉन्ग भी हो गई और अच्छी भी लग रही है, तो लुक भी इसकी थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है इसे लगने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर इंडिकेटर जो कि मिलते हैं आपको, बुलेट इंडिकेटर ये भी इसमें इंस्टॉल कर दिए गए हैं, एक इधर और एक इधर। लुक आप चेकआउट करो काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है अंदर लगने के बाद। और मास्टर अंडर कैप जो कि आप देखने को मिलेगी आपको इस तरह भी देख सकते हैं, मास्टर अंडर कैप भी लगा दी गई है इसके अंदर जो कि आपको मिलती है पूरी CNC वाली, सेम इधर मिलती है। और एक आपको मिलता है CNC वाली R15 की ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाता है इसके अंदर की कवर। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसका टी प्लेट जो कि आप देख सकते हो R15 की ब्रांडिंग का टी प्लेट इसकी लगा दी गई है, जो कि हमारी बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा टी प्लेट। इसमें कलर कोई भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आपको ये कलर, कोई भी कलर आपको ले सकते हो, सारे कलर इसके अवेलेबल होते हैं अपने पास। साथ में सिमटेक ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग, ये भी इसमें लगा दिया गया है। और जो कि आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, ये देखिए चाबी ऑफ करेंगे तो ऑफ, चाबी ऑन करेंगे तो रेड है जो कि इसके अंदर लगा दिया गया लाइट। साथ में आपको देखने मिलेगी इसके आई हजार्ड जो कि देख सकते हैं आप, ये आई हजार्ड है जो इसके अंदर लगा दी गई है। ये सारा वर्क आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के ब्लॉग्स आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे और मिलते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
राजू भाई एसकेडी को। हमारी शॉप है जो मिलती है आपको दिल्ली करोड़ नाइव लाइन के अंदर, बैक साइड में 36 नंबर के लिए। फ्रंट आप देखें तो आर्य समाज रोड है जो कि आपको देखने मिलेगा हमारा, और मेन रोड पर शॉप है, कहीं अंदर नहीं जाना, सिंपली आपको आना है ऑन रोड पर राजू भाई की शॉप पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।